एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। रोज हम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सोचते हैं कि क्या बनाएं, तो आज हम लेकर आए हैं ये फुल ऑफ वेजिटेबल्स नाश्ता। देखिए, ये हमने लिए आधा चम्मच हल्दी लेंगे हम, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, हर लाल मिर्च भी आप जितनी यूज करना चाहें उतना यूज करें। तीखा खाते हैं तो ज्यादा डाल दें, कम खाते हैं तो कम डालें। आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच हमने राई ली है, एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, दो मैंने मीडियम साइज के प्याज को ऐसे स्लाइस कर लिया है, तीन मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, एक गाजर को हमने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है, छह से सात बीन्स को हमने बड़ा काट लिया है और छह से सात बीन्स हमने छोटे काटे हैं। आप जैसे मर्जी इसको यूज कर सकते हैं। आधा पत्ता गोभी हमने एक फुल बाउल ये कट के हो गया है ये ले लिया है, एक बड़ा शिमला मिर्च हमने बारीक काट लिया है और ये ली है हमने चार ब्रेड के स्लाइस, 4.5 है, मतलब एक मेरे पास सिंपल भी थी। ये देखिए, फ्रेश ही ब्रेड में ऊपर नीचे का पीस बच जाता है और कोई नहीं खाता है कि हमें इसको नहीं खाना है, तो इसके लिए मैंने ये इसको ऐसे बीच में से कट किया है। इसके ऊपर दोनों ऐसे स्लाइस को रख के ऐसे लंबे फिंगर्स की तरह से स्लाइस कर लिए हैं। फ्रेश है ब्रेड, लेकिन आगे पीछे के पीसेस हैं। दो ब्रेड थी मेरे पास तो दोनों के मैंने ऊपर नीचे के पीस यूज कर लिए हैं, चार पीस। तो जब आपको ये यूज करना है, ऐसी ब्रेड को यूज करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोटे क्यूब्स में भी कट करके ये बना सकते हैं। तो ये जो है ब्रेड जल्दी टूटेगी नहीं, स्लैब हमने साफ कर ली थी अच्छे से। ये देखिए, ये कटे हुए पीस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हैवी बॉटम पैन में हमने 1.5 चम्मच ऑयल ले लिया है, मतलब 1.5 बड़ा चम्मच टेबलस्पून, और वो गरम हो गया है। उसमें हम डाल रहे हैं ये जीरा, साथ में डालेंगे राई, इसके बाद डाल रहे हैं हम इसमें प्याज, कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बहुत टेस्टी ये लगता है, जरूर बनाकर देखिएगा। हाई फ्लेम पर हम इसको भून रहे हैं प्याज को। इसके साथ ही हम ये बीन्स डाल देंगे क्योंकि बीन्स पकने में टाइम लगता है, तो इसको भी हम सॉटे करेंगे। हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इसको क्रंची रखना है। और आजकल सब्जियां जो हैं बहुत आ रही हैं बाजार में, सर्दी का टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां यूज करें। ये डाल देंगे हम गाजर, इसको चलाते हुए हम पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। देखिए कितना सुंदर ये कलर लग रहा है, थोड़ा देर इसको पकने देते हैं। ये देखिए, सब्जियां सौते हो गई हैं और अब हम डाल देंगे इसमें ये पत्ता गोभी। आपके पास जो सब्जियां हैं वो आप डाल सकते हैं। इसको भी हम चला लेंगे अच्छी तरह से। जो भी सब्जियां आपके पास हैं वो आप यूज कर सकते हैं। आपके पास फूल गोभी है, फूल गोभी डाल दीजिए, मटर है, मटर डाल दीजिए, ब्रोकली है, ब्रोकली डाल दीजिए। मतलब हमारा ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाने से है और वो फिर आपका जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाता है। अब हम इसके साथ ही डाल देंगे ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो बिल्कुल लास्ट में भी आप डाल सकते हैं। और अब हम इसके साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटो जो हमने बारीक कट किया है। ये देखिए कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं। टमाटर, और टमाटर को अच्छे से चलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून और नमक स्वाद के अनुसार। बिल्कुल सब्जियां जब अच्छी क्रंची रह जाएं, एक बार सौटे हो जाएं तब नमक डालें, नहीं तो ये गल जाती हैं जल्दी से। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स।
यहाँ पर आप नमक टेस्ट करके देख लेंगे। हल्दी हम एक मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए कितना सुंदर ये कलर लग रहा है। नमक हमने टेस्ट कर लिया है, थोड़ा सा कम था हमने और डाल दिया है। यहाँ पे नमक थोड़ा सा तेज रखिएगा क्योंकि ब्रेड जो है वो फीकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये ब्रेड जो हमने काट के रखी हुई है, और ये बहुत बहुत यमी लगता है। इसको करेंगे मिक्स। देखिए लग रहा है ना टेस्टी, ये देखिए ये एक नई डिश बनकर तैयार है। मतलब खाना आपको सब्जियां ज्यादा खानी है, सब्जियां अच्छी आपके ब्रेकफास्ट में लंच में यूज हो, आप इसको डिनर में भी ले सकते हैं, सूप के साथ सर्व कीजिए। और बस एक मिनट के बाद हम गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको सर्व करते हैं। ये देखिए जो हल्का सा सब्जियों में पानी था वो ब्रेड ने सोक लिया है, और ये आपकी फर्स्ट क्लास डिश जो है वो बनकर तैयार है। मैंने सोचा आपको दिखाऊं एक बार फिर से कितनी अच्छी ये डिश लग रही है। और ये देखिए ये पास्ता जैसे लग रहा है, देखने में पास्ता जैसा लग रहा है ना, तो आप इस तरह से सर्व कीजिए और ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करके खाइए। Nothing like it. बहुत ही yummy. Thank you so much for watching my recipe.